बिहार में लागू संपूर्ण शराबबंदी को सख्ती से क्रियान्वयन के लिए मोकामा घाट के सिसौनी इलाके में छापेमारी की गई, जिसमें लगभग 100 लीटर देसी शराब को बरामद किया गया है, लेकिन किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। मोकामा थाना अध्यक्ष राजनंदन सिंह ने बताया कि धंधेबाज को चिन्हित कर गिरफ्तार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि दियारा क्षेत्र से भी लगातार सूचना मिल रही है कि वहां भी शराब बनाई जा रही है और इसको लेकर आगे भी सघन छापेमारी जारी रहेगी। क्या कार्रवाई सर की गई है सिसौनी इलाके में? शराबबंदी को मजबूती से क्रियान्वयन के उपरांत आज लगभग 100 लीटर देसी शराब बरामद किया गया है और मोकामा घाट के सिसौनी से बरामद किया गया है। इसमें अभी अभियुक्तों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन उन्हें चिन्हित कर लिया गया है और जल्दी उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। दियारा क्षेत्र में भी शराब बनने की दियारा क्षेत्र में भी सूचना मिल रही है और लगातार पुलिस के द्वारा सघन छापामारी भी की जा रही है और शराब बरामद करके कार्रवाई भी की जा रही है।